सदन में हुआ वो उसको पूरे देश ने देखा, कैसे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया और वो अस्थिर करने के बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जब वो अपनी बातें कहने को आए, तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए कि जब वो सरकार की उपलब्धि को बोलते थे तो बहुत ही कटाक्ष करते हुए उनके उनकी उनकी आवाज थी और भाषा थी कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे वो सहमत नहीं है। इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि देश के आज तक के इतिहास में किसी राज्यपाल के द्वारा नहीं किया गया। मैं अभिभाषण के समर्थन में बात तो रखती हूँ लेकिन जो झारखंड में हुआ, जो परसेप्शन ये लाने की कोशिश कर रहे थे, वह भी एक इतिहास रचा गया है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि सूरज की तरफ मुंह करके जब आप थूकते हैं तो वो थूक आपके मुंह पर गिरता है, वह थूक आपके मुंह पर गिरता है। और कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भाजपा के एक एक विधायक की नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि तमाम जो चुने हुए विधायक हैं, उनको ना चेहरा बना करके बाबूलाल जी को बाहर से ला करके, दूसरी पार्टी से ला करके, जिन्होंने पानी पी पी कर भाजपा को गाली दिया, कुतुब मीनार से कूदने की बात की, वैसे लोगों के सामने इन्हें झुकना और बैठना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस कमरे में बैठा हुआ कोई आज भाजपा को नहीं चला रहा, इस कमरे में बैठा हुआ एक व्यक्ति भाजपा को नहीं चला रहा है। भाजपा को चला कौन रहा है? भाजपा को चला रहे हैं कॉर्पोरेट दलाल निशिकांत दुबे के इशारों पर आज केंद्र सरकार भ्रमित हुई और ये ताता थैया जो कर रहे हैं उसका नतीजा इन्हें कल देखने को मिला। इनके खुद के विधायक रणधीर सिंह जी को कुछ सच्चाई के आसपास है तो उन्होंने कम से कम हकीकत को सदन के बाहर जाके बयान देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जाके उन्होंने माना कि निशिकांत दुबे पार्टी से बड़ा नहीं, पार्टी बड़ी है और वो व्यक्ति छोटा है। झूठ भ्रामक खबरें फैला के सरकार बनने के पहले दिन से उस व्यक्ति ने वो आचरण दिखाया है। हमारे खरे सोने की तरह जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजा इन लोगों ने तपने के लिए, मैं कहना चाहती हूँ व्यक्ति जब बाहर निकल के आएगा तो वो कुंदन की तरह चमकता हुआ आएगा। इनके लाखों कोशिशों के बावजूद वो व्यक्ति कुंदन की तरह तप करके निकलेंगे। और कई सारी बातें हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी ने, कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी ने कहा है, लेकिन मैं जरूर कुछ बातें जो अमर बावरी जी ने कही हैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत ही हास्यपद उन्होंने बात की और इस प्रकार से बात की, ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म की बातें करके लोगों के भावना को भड़का करके ये आप वोट लेते हैं। और कल जो इन्होंने सदन में बात की, ये बुद्ध धर्म की तरफ जाने के लिए क्या लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? हिंदू धर्म की रक्षा इनसे किस प्रकार से की जा रही है मैं जानना चाहती हूँ। इन्होंने यह भी कहा अध्यक्ष महोदय कि आदिवासी नेता हो सकता है लेकिन वो आदिवासियों का नेता नहीं हो सकता है। मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि इनके पार्टी में जो लोग ऐसे लीडर हैं जो आदिवासी नेता तो हैं, आदिवासियों के नेता नहीं है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी शामिल हैं। दलित तो हैं, दलित नेता हैं लेकिन दलितों के नेता नहीं है। उसमें नाम अमर बावरी का आता है जिन्होंने पिछला चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा और आज किसी और उस समय और किसी और पार्टी में जाकर के मंत्री बन गए। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में दलितों के कपड़े उतार कर उनके सुतड़ों को लाल किया जा रहा है और इनको शर्म नहीं आती यहाँ बैठे हैं। मुझे पता नहीं कि यह शब्द संवैधानिक है कि नहीं है, लेकिन यही आज सच्चाई है। भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान का अपमान ये रोज रोज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके यहाँ महिला नेता है, लेकिन महिलाओं की नेता नहीं हो सकती। आप लोग थके हुए हैं, मान्य सदन, आप लोग थके हुए हैं। स्मृति ईरानी सिलेंडर ले लेके नाच रही थी, लेकिन मणिपुर में
महिलाओं